मुहावरा आपने सुना होगा, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन अब इस मुहावरे को बच्चे कहेंगे, जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य। दरअसल देश प्रदेश में इन दिनों बदलाव की बयार काफी तेजी से बह रही है। कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं तो कहीं स्टेशनों के नाम परिवर्तित हो रहे हैं। इन सब के बीच गुरुवार को विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ कार्य परिषद की बैठक में कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने सभी प्रोफेसर को निर्देश दिया है कि हमें बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे उन्हें गुलामी की मानसिकता से आजादी मिले, जिसके लिए उन्होंने जो जीता वही सिकंदर मुहावरे को बदलकर अब इसे जो जीता वही सम्राट विक्रमादित्य पढ़ाने की बात प्रोफेसर ने कही है। जिसके बाद अब जो जीता वही सिकंदर मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेरी जैसे कई मुहावरे बदल जाएंगे। सर इसमें चेंजेस नहीं आना चाहिए। किसमें? मुहावरों में? मुहावरों में जो सर, जैसा चल रहा है वैसे ही चलना चाहिए। जी सर। अच्छा, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेरी, सर ऐसा नहीं सर। मतलब नहीं या समर्थन कर रहे हैं आप इसका या विरोध कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सर विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं होने चाहिए सर, नहीं। इन्हें बदला जाना चाहिए, जो कर रहे हैं विश्वविद्यालय सही कर रहे हैं। जी सर। अच्छा, आप बताइए सही कर रहे हैं ये सर जितने भी मुहावरे, क्योंकि इसकी तो एक लंबी सूची तैयार हो रही है विश्वविद्यालय में। आप सर मुहावरे का मतलब ऐसा तो नहीं कह सकता है सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं सर। एक प्रकार से देखा जाए तो सही भी हो रहा है और दूसरी तरफ से देखा जाए तो नहीं भी है। इसलिए ऐसी कोई भी वजह होती है, ऐसी कोई भी करता है, ऐसी क्रांतिकारियों का नाम क्यों लिया जाता है क्रांतिकारियों का नाम? उनने कुछ अच्छा काम किया होगा भारत देश के लिए जब तो उनका नाम क्रांतिकारियों में लिया जाता है, तो उनकी भी कुछ वजह रही होगी जब यूनिवर्सिटी के नाम चेंज हो रहे हैं। एमपी में मुहावरों को लेकर सियासी तकरार भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अब्बास हफीज का कहना है कि बीजेपी के पास सिवाय मुद्दों को भटकाने के अलावा कोई काम नहीं है। अगर इतना ही शौक है तो बीजेपी कुछ ऐसे मुहावरे अपने नाम पर रख ले, जैसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी की जगह मजबूरी का नाम बीजेपी रखे। ये मुहावरे अपने आप पढ़ते हैं, मुहावरे बनाए नहीं जाते हैं। बीजेपी को कोई समझाए इन तमाम चीजों के ऊपर तो आप सोच सकते हैं कि जनता के काम नहीं करने की वजह से कितना समय है बीजेपी के लोगों के पास, बीजेपी सरकार द्वारा बैठाए हुए लोगों के पास। वीसी कोई भी किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, उनका क्या काम होना चाहिए प्राथमिकता के ऊपर? के नाम रोशन करें वहाँ के विद्यार्थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाएं, खूब अच्छा रिजल्ट आए, ये काम होता था कि नाम बदलेंगे, मुहावरे बदलेंगे। तो ये वैचारिक दिवालियेपन का दौर ही कहूंगा, और क्या कहूँ। वही दिग्विजय सिंह ने कहा, आगे आगे देखिए क्या क्या बदलते हैं। ये तो शुरुआत है, ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, ये बोलती थी। बीजेपी विधायक और हिंदुवादी नेता रामेश्वर शर्मा ने कुलपति के इस फैसले का तहे दिल से स्वागत किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस क्यों इतना रो रही है, सिकंदर तो मुस्लिम भी नहीं था, अब तो कांग्रेस को वोट बैंक का खतरा भी नहीं है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति जी ने जो स्वागत योग शब्दावली की है, हम उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कहते हैं और हम जनता जनार्दन से प्रार्थना करते हैं कि स्वाभिमान की शब्दावली आएगी, स्वाभिमान के मुहावरे आएंगे, इनके प्रयोग होंगे तो आने वाली कूक से भी नए लाल जन्मेंगे जो भारत के स्वाभिमान को विक्रमादित्य बनकर चांद जगत में प्रकाशमान करें। दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो ना कुछ कहा जाए तो ज्यादा अच्छा। दिग्विजय सिंह जी तो मध्य प्रदेश में रहते हैं, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के राज्यसभा के मेंबर हैं, काम सारा पाकिस्तान का करते हैं। उनको लगता है सिकंदर मुसलमान नहीं था, ये दिग्विजय सिंह को बता दो, और सिकंदर जो है ग्रीक था, और सिकंदर नाम की सिकंदर की जाति भी नहीं है, तो कांग्रेस वोटों से भी ना घबराए, कांग्रेस केवल आत्मसम्मान की बात करे तो ज्यादा अच्छा है। वही इस मामले में विशेषज्ञ का कहना है कि मुहावरे जनमानस से बनते हैं, ऐसे में जरूरी है कि अब नए मुहावरे गढ़े जाए। उनका कहना सही है, लेकिन माहौल दरअसल अभी इसी तरह के बदलाव का है, तो उनको लगता है कि ऐसे माहौल में उनको भी कहीं पीछे नहीं रहना चाहिए। मुद्दा दरअसल ये नहीं है कि आप मुहावरों को बदल दें, ऐसे मुहावरे नए गढ़े जाएं जिसमें जिस भावना के साथ मुहावरे बदलने की बात कर रहे हैं, उस भावना का को लेकर नए मुहावरे गढ़े जाएं, नए तरह से एक चेतना विकसित की जाए। केवल मुहावरे बदलने से, शब्द बदलने से कोई बहुत बात बनने वाली नहीं है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन नए मुहावरों को कितना अपनाती है। विदेश में शहर
स्टेशन गली मोहल्लों के नाम बदलने के बाद अब मुहावरों को बदलने का काम भी किया जा रहा है। मुहावरों के बदलने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी तकरार भी चल रही है। कांग्रेस का कहना है कि कई मुहावरे ऐसे हैं जिसे बीजेपी को अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, तो वहीं बीजेपी इन बदले हुए मुहावरों का तहे दिल से स्वागत कर रही है। हालांकि आम लोगों का कहना है कि पुराने मुहावरों को छोड़कर अगर विश्वविद्यालय नए मुहावरे गढ़ें तो ये शायद ज्यादा बेहतर होगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9।